हेलो बच्चों कैसे हो आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास टेंथ एंड बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर ट्वेल्व ये चैप्टर जो है सोशल साइंस का है यानी सामाजिक विज्ञान का है जिसमें आज हम करेंगे पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस इसका अर्थ यही हुआ कि जनता की सहभागिता तथा तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि इसमें हम जो है पब्लिक ओपिनियंस के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और ये टॉपिक कई मानने में हर एक क्लास के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है चाहे वो यूपी बोर्ड के बच्चे हो चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हो चाहे सीबीएसई के हो चाहे एनएस बोर्ड के बच्चे हो सभी बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर रहने वाला है इवन कि जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर कर रहे हैं और करने के सोच रहे हैं तो उनके लिए ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि इसमें विस्तार पूर्वक जो है हर बात पे हम चर्चा करेंगे लेकिन आपको पता है चर्चा करने से पहले एक बात जो मैं सदैव कहता हूँ जिसको आपको सोचना भी चाहिए विचार भी करना चाहिए इवन अमल भी करना चाहिए वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि तो दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए ये आप भी नहीं जानोगे इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो ठीक है ट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ तो साइन एस सेंटर में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है चाहे वो एट्थ क्लास हो नाइन टेंथ इलेवंथ ट्वेल्थ हो चाहे वो एनआईस बोर्ड के बच्चे हो ठीक है चाहे बी एम के बच्चे हो सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाणसी सेंटर में उपलब्ध है तो इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इस चैनल को जो है सेव कर लो नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो तो इसलिए सोचना नहीं विचार नहीं करना है सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है दोस्तों ये तो बात आप आपके लिए लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है अब नेक्स्ट टॉपिक इज द मोस्ट इंपोर्टेंट या इलेक्शन इन इंडिया यू मे हैव अ सीन अ पोलिंग बूथ एज शो इन द इलेक्शंस वेयर द सिटीजन आर लिंक अप टू द कास्ट देयर इज अ वोट्स इन अवर कंट्री इलेक्शन टेक प्लेस फॉर अ इलेक्टिंग मेंबर्स ऑफ द लोकसभा और द विधानसभा आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ग्राम पंचायत Or municipal bodies, you may have even participated in such election. There is a part participated in a such election, and can you define election? Well, election is the contest among the candidate in order to be seek the membership of a legislative body or representative institution to be attain a public position. Election to the legislatures and Local government bodies are held a pre periodically is usually after a particular period. The whole country of the entire state or the area of the concern local body is divided into a number of constituencies. Each constituency is turn one representing from a number of cabinet who contest an election. The candidate who get a larger number of votes as against their other candidates in the seats There is a declared elected. This is important. The candidate who is get to the largest number of votes as against the other candidate in the constituency is declared of the elected. On your screen, there is a most important picture here of polling booth with the voters in a queue. This is important. There is a polling booth. And their board given to a parties. This is an important picture here show the most important meaning of their word. A constituency is a clearly area is delimited or separately for the parliament. There is a state legislatures and the local bodies in the India. Each constituency is return a single representative. A cabinet is a respective person and seek some opposition through the election. He she is either an incumbent seeking re-election or in you know, a challenger seeking to be on seat, their incumbent are the simply on uh, aspirant for on the open seat. And the uh, manifesto is a document which the outline the proposed or program and policy of the political parties. There's a manifesto here. And the next year importance of election. You also maybe have experienced that elections provide opportunity to the people to participate uh, electively in the functioning of the democratic government. And these are the most important expression of public opinion as this enable the public to express their will. In fact, election baden the scope of political awakenings among their masses and educate them by the familiarizing them with the issue of public concern. Elections facilitated peaceful transfer of power from one political party or one group of political. Part is to be another and the time, time is they are working of the government by justify. There is authorities of representative to lead people. The next year types of election. There is a types of elections also important. We all observe that election do take a place in our country quite often, but all the election are not of the same kind. The kinds of election that take place in India may be understood in a two way. It's important. There is a kind of election they take here of any way of understood of two way here. First, we have a direct and indirect election. The first way, here, direct and indirect election. In a direct election, people vote directly through their wallet to elect their representative to legislative bodies, means, lok sabha and state legislative assemblies and the local government institution we have also indirect election in which the elected representative of people vote from electing person to be occupy container position the president and vice president of india are indirectly elected there is not a not of people here participate there is indirectly election here the president and vice-president elected here and the member of Rajya also is elected indirectly. The member of Rajya they're also elected by the indirectly. There's not a people who has participated in this election. Moreover, contain a percentage of member of legislative counseling and that represent in some of the states. Are indirectly, they elected by the members of the concerned legislative assemblies here. Observe in a different way, we find another three categories of election and these are a general election, midterm election, and by election. There is the most important three way here a general election, midterm election and by election. The general election are held all over to the country for Lok Sabha and or for their state legislative assemblies. So the election are held after the expire of the fully term of the election. the logs of election held in 2009, for example, may be described as a general election. if the election are held before the completions of the normal term of the legislature or when there is a dissolution of the bodies, and these are called to the midterm election. you know that what is a midterm election here? the elections are the held before the completions of normal term of the relative or when there is dissolution of the relative bodies and this called to the midterm election. by-election are held a particular constituency or when there is a vacancy causing by the resignations and death of the elected member. this is the most important point here. Yeah? resignation and death of elected member. there is a by-term election. There is, or even there is, election of particular member is sit, set aside by the judiciary. In a such election, there is a member is elected by for the remaining period of term of the P. V. Narsim Maro was elected to the Lok Sabha from Andhra Pradesh in a by election held in the November 1991. There is a most important example here. देखा जाए तो भारत जो है लोकतंत्र देश है और कहते हैं अगर लोकतंत्र देश कोई भी देश होता है तो उसका तो सबसे बड़ी विशेषता होती है चुनाव प्रणाली कहते हैं चुनाव प्रणाली के अंतर्गत जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को जो है चुनते हैं और वो जो है उनके लिए रूल रेगुलेशन बनाती हैं तो भारत में भी यही प्रावधान है कि भारत में चुनाव में जो है चुनाव करवाई जाती है और चुनाव के बहुत ही अपना विशेष महत्व होता है लेकिन देखा जाए चुनाव जब बीच बीच में होते हैं तो बहुत ही भारत के जो है धन खर्चा खर्च होता है और ये जो है आम व्यक्तियों पर इसका असर देखने को मिलता है तो चुनाव जो है समय अंतराल में होना ही सुनिश्चित किया जाए और देखा जाए तो भारत में हर साल जो है कोई ना कोई चुनाव होती ही रहती है क्योंकि भारत में इतना लोकतंत्र जो है विकसित है और यहाँ पर चुनाव की प्रक्रिया इतनी विकसित है कि देखा जाए तो भारत में चुनाव की जो रणनीति होती है कंटिन्यू चलती रहती है अब देखिए जो सरकार होती है जो सरकार की नीतियाँ बनाती है वो सदैव ये चाहती है कि मैं जीतता रहूँ ठीक है सबका तो तो वो यही होता है ना कि वो जीते अब साल भर इलेक्शन होता ही रहे कोई ना कोई क्षेत्र में और जो देश के जो है रूल लिप्रेशन बना रहे होते हैं क्या उनके पास समय होगा क्या वो भारत के भविष्य को तय कर सकेंगे जब भारत में इलेक्शन आए दिन कहीं ना कहीं होता ही रहता है क्योंकि उनके माइंड में तो यही चलता रहेगा ना कि इलेक्शन उस क्षेत्र को हम कैसे जीते और कैसे वहाँ पर प्रचार करें कहते हैं प्रधानमंत्री से लेकर सभी व्यक्ति जो है इसी में लिप्त रहते हैं तो आप सोचिए ये लोग काम कब करते होंगे भारत के भविष्य के लिए तो ये चुनाव की जो प्रणाली भारत में बनी हुई है मुझे नहीं लगता सही है क्योंकि ये देश के धन तो बर्बाद होता ही होता है प्लस जो व्यक्ति इसमें कार्यरत होते हैं जो देश का भविष्य निर्धारित करते हैं वो भी इलेक्शन के ही सोच विचार से अपना जीवन पूरा लगा रहे होते हैं क्योंकि उनका मकसद जर्नली सी बात है कि अभी सत्ता प्राप्त नहीं करना है वो हमेशा सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं और सदैव ही राजनीति में बने रहना चाहते हैं तो उनका सारा जो है गतिविधियाँ चुनाव में ही लगी रहती है तो त्रिपाण ये बात सदैव कहता है कि भारत में इतना चुनाव नहीं होना चाहिए क्योंकि चुनाव से जहां धन खर्च होता है वही जो है जो हमारे लिए अच्छे रूल रेबलेन बना रहे होते हैं उनका माइंड जो होता है उन कामों में फोकस नहीं होता है बेशकली मंत्री लोग जितना मर्जी चिल्ला के कह लें कि हम भारत का भविष्य तय कर रहे हैं भारत के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन ये बात आप भी जानते हो कि जिस व्यक्ति का मन जो होगा चुनावों में लगा रहेगा वो कहाँ से भारत का भविष्य निर्धारित करेगा ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात है क्योंकि भारत में देखिएगा आए दिन किसी ना किसी क्षेत्र में जो है चुनाव गतिविधियां होती रहती हैं और ये नहीं कि चुनाव का जो प्रचार होता है चुनाव के कुछ दिन पहले से होता है ये तो साल साल पहले से ही तैयारी करने लग जाते हैं वहाँ पर उन क्षेत्रों में तो सोचिए जो वहाँ के कार्यकर्ता हैं सारे के सारे चुनाव की गतिविधियों में ही सम्मिलित रहेंगे तो आम लोगों की समस्या कौन देखेगा ये बहुत बड़ा प्रश्न है और इस पर जो है सरकार को जो है विचार करने की आवश्यकता है अगर हमारा अगला पॉइंट देखें भारत में चुनाव तो यही बातों की तरफ इशारा कर रहा है कि आपने मतदान केंद्र मतदान करने के लिए कतार में खड़े नागरिक देखे होंगे ये सारे जो हैं बहुत ही आस के साथ जो है कतार में खड़े रहते हैं कि हम कुछ अच्छे व्यक्ति को जिताएं जो हमारे लिए रूल रेगुलेशन बनाएँ लेकिन आज तो आपको पहले ही मैं बता चुका हूं कि यहाँ तो गठबंधन का सरकार है आप किसी एक व्यक्ति को अगर बनाइएगा कि वो सरकार बनाए अपना लेकिन उस जगह गठबंधन बना के कोई और व्यक्ति जो है बाजी मार जाता है तो ये बहुत बड़ी जो है, तो है मुसीबत का सबक बन सकता है आने वाला समय में हमारे देश में लोकसभा विधानसभा पंचायती नगर निकाय के लिए पंजी के निर्वाचन के लिए चुनाव होता है देखिए भारत में कितने प्रकार के चुनाव होते हैं एक लोकसभा के चुनाव होता है एक विधानसभाओं के चुनाव होता है एक पंचायतों के चुनाव होता है एक नगर निकायों के चुनाव होता है अब देखिए इतने सारे चुनाव जब भारत में होगा तो भारत का भविष्य कैसा होगा सोचिए एवं विचार कीजिए आपने भी इस चुनाव में भाग लिए हों क्या आप चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं चुनाव उम्मीदवारों के बीच होने वाली एक प्रतियोगिता है जिसके द्वारा वह निकाय एवं प्रतिनिधि संस्थाओं में सार्वजनिक पद प्राप्त करने का सदैव प्रयास करते रहते हैं उनका जो हमेशा यही प्रयास होता है कि वो अपनी पोजीशन सदैव बरकरार रख रखें इसलिए जो भी उन पर बनता है वो सारे कार्य करते हैं चाहे वो सही कार्य हो चाहे गलत कार्य हो कई कई क्षेत्र में तो आपने देखा होगा कि उस क्षेत्र सरकार गिराने के लिए सांप्रदायिक दंगा फसाद का सहारा लेते हैं चुनावी व्यक्ति सब ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आप इलेक्शन में जीतने के लिए दंगे फसाद करवा रहे होते हो तो ये कहाँ की जो है बात सही रहती है और इसमें किसी एक व्यक्ति को जो है निशाने बना लेते हैं वो लोग तो ये गलत है कहते हैं चुनाव चलिए होता है तो कम से कम सांप्रदायिकता को तो नहीं आग लगाइए जिससे हमारे देश के संपत्ति फूक जाए हमारा देश नष्ट हो जाए तो नहीं सही है और पूरे विश्व में ये रिप्रेजेंट करना सही नहीं रहेगा हम पूरे विश्व को क्या दिखा रहे हैं कि हमारा देश जो है सांप्रदायिकता के आर में जो है आए दिन लड़ती झगड़ती रहती है दूसरा देश भी हम पे हंस रहा होगा कि इनको तो तोड़ना बहुत ही आसान है फूट डालो राज करो की नीति जो अंग्रेज़ों ने अपनाया था वो भी अपना सकते हैं और भारत को तोड़ने में जो है उनका बहुत समय नहीं लगेगा क्योंकि जैसा हालात भारत अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ के लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहाँ के नेता सब जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो कदाचित सही नहीं है ये विश्व के लिए जो है सही नहीं है और दूसरा कोई व्यक्ति जो है इसका फायदा भी उठा सकता है इसमें कोई दो राय नहीं है आगे अगर बात हम करें यहाँ पर तो देखा जाए चुनाव उम्मीदवारों के बीच होने वाले प्रतियोगिता के रूप में देखा जा सकता है और विधानमंडल और स्थानीय शासन के निकाय के चुनाव समय समय पर निश्चित अवधि के बाद होते ही रहते हैं जैसे मैंने पहले ही आपको बता चुका हूँ कि भारत में चुनाव जो है एक लंबी कटार है जो खत्म ही नहीं होगा क्योंकि आपने देखा होगा कि लोकसभा विधानसभाएं, पंचायत नगर निकाय तो आए दिन कहीं ना कहीं चुनाव हो होता ही रहता है ये मैं गलत समझता हूँ मैं तो एक ही बात कहता हूँ सिंपल सी बात कि एक सेंटर के लिए होना चाहिए जो सेंटर में बनता है सरकार उनके लिए चुनाव होना चाहिए और एक राज्य में सरकार बनती है उसके लिए होना चाहिए और ये पंचायतें नगर पालिकाएँ क्या है ये सब इनसे जो है धन बहुत खर्च होता है चुनाव में शायद चुनाव आयोग ने जो है उनको लिमिटेड दिया हुआ है पैसा खर्च करने का प्रावधान लेकिन आपको शायद ये नहीं पता होगा और पता भी होगा आपको तो चुनाव में तो लोग करोड़ों रुपया खर्च कर जाते हैं चुनाव के लिए वो हर एक पैतरा अपनाते हैं जो उनको अपनाना नहीं चाहिए सिर्फ चुनाव आयोग ने दिखाने के लिए इनका जो है पैसा लिमिटेड कर दिया है कि इनको जो हमें आपस लौटाना होगा जितने के बाद वो लिमिट कर रखे लेकिन उनको शायद सबको ही बात नॉलेज है कि चुनाव में एक रुपया या पचास हज़ार खर्च नहीं होता है इसमें तो करोड़ रुपया फूक जाते हैं इवन के लोगों को तो घर भी बेचना पड़ जाता है जो चुनाव लड़ते हैं उनको एहसास है तो समझिए चुनाव के कारण कितना धन खर्च होता होगा सोचने वाली बात है एवं विचार करने वाली बात है और फिर अगर चुनाव में ही हम सारे पैसे लगा दें तो हम हमारी इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था कहाँ से मजबूत हो पाएगी और हम विश्व में आगे कैसे खड़े रह सकते हैं सोचिए एवं विचार कीजिए इस बात पे पूरे देश राज्य स्थानीय निकायों को कई चुनाव क्षेत्र में बांट दिया जाता है और प्रत्येक चुनाव क्षेत्र या निर्वाचित क्षेत्र में कई उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं एक उम्मीदवार नहीं होता है एक सीट के लिए कम से कम पचास उम्मीदवार जो होते हैं टकटकी लगाए रखते हैं निर्वाचन क्षेत्र में जो उम्मीदवार अन्य की तुलना में अधिक मत प्राप्त करता है उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है जनरल सी बात है ये तो आपने देखा भी होगा अब देखिए चुनाव जो है कैसे करते हैं उसका कुछ तस्वीर है चलिए देखते हैं यहाँ पर आपके समक्ष जो है कार्टूनों के रूप में जो दर्शाया गया है एक मतदान केंद्र कतार में खड़े मतदाता हैं, ये कतार में ही ये खड़े रहते हैं और अपना जो बहुमूल्य जो वोट है किसी व्यक्ति को देते हैं जो उस क्षेत्र से विजय हासिल करते हैं तो ये कहते हैं देखिए वोट देने का प्रावधान बहुत अच्छा है लेकिन इतने सारे इलेक्शन होना सही नहीं है इससे देश की जो है अर्थव्यवस्था बहुत ही काफ़ी खस्ता होता है और इवन कि बड़े बड़े जो राजनीतिक नेता हैं उनका सिर्फ एक विचार होता है कि कैसे हम पैसा इकट्ठा करें और कैसे जो है इलेक्शन हम जीतें आपने देखा हुआ कई जो है राजनीतिक नेताओं का जो है इसी प्रकार के जो है करप्शन आया है सामने तो ये मैं नहीं कह रहा है, न्यूज़ वाले कहते रहते हैं और आए दिन दिखाते रहते हैं कि इतने रुपये का घोटाला हुआ इतने रुपये का ये हुआ ये हुआ फलाना हुआ आखिर लोग करते क्यों हैं क्या उनको पैसे कम पड़ जाते हैं, तनख्वाह भी उनका कम पड़ जाता है ये सारे पैसा इसलिए इकट्ठा करते हैं कि अगला इलेक्शन में वो हर तरह के हर कंडे अपना सके जो उनको जो है विजय हासिल कराने में सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सके इसलिए सारे जो है करप्शन करते हैं अगर भारत से करप्शन हटाना है तो ये वोटिंग का सिस्टम जो भी हटाना है कहते हैं एक वोटिंग सिस्टम होना चाहिए सेंट्रल सरकार के लिए एक सेंट्रल सरकार बनना चाहिए और एक राज्य सरकार बनना चाहिए और उसी के अधीन जो है सारे कार्यरत रहे इतने सारे चुनाव नहीं होना चाहिए गलत है और इससे ही कारण जो है भारत में करप्शन कभी ख़त्म नहीं हो पा रहा है कि तो जर्नल सी बात है कि हर एक नेता का यही सपना होता है कि आगे उनका जो है शासन चलता रहे और इसके लिए धन दौलत हर तरह के पैतरा अपनाने लग जाते हूँ चाहे सांप्रदायिक दंगा हो फसाद हो धन पैसा हो सब वो लगाने के लिए तैयार होते हैं और ये सब कहाँ से आता है करप्शन के अंतर्गत आता है तो सोचिए भारत में इतने सारे इलेक्शन का प्रावधान किया गया है क्या सही है या गलत है आप इस बात का कमेंट अवश्य करना कहते कमेंट कीजिए तो अच्छी बातों पे कीजिए जो एक निर्णायक फैसला हो कहते देश हित के लिए हो यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है कुछ शब्द हैं जिसके बारे में आपको भली भांति समझ होना चाहिए देखिए चुनाव क्षेत्र होता है कहते चुनाव क्षेत्र क्या होता है एक प्रदेशी क्षेत्र होता है जिसका संसद राज्य विधानसभा तथा अथवा स्थानीय निकाय के लिए भारत में अलग अलग ढंग से परिसीमन होता है प्रत्येक चुनाव जो है निर्वाचन चुनाव क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुनकर आता है उसके बाद है उम्मीदवार एक संभावित व्यक्ति है जो चुनाव के माध्यम से कोई पद प्राप्त करना चाहता है और वह एक पदस्थ पदाधिकारी भी हो सकता है यानि उम्मीदवार का मतलब हो सकता है कोई भी हो सकता है जो पुनः निर्वाचित होने के लिए प्रयास कर रहा हो या एक चुनौती देने वाला जो पदस्थ व्यक्तियों के पद से हटा कर स्वयं उस पद पर असीन होना चाहता है या वह खुली सीट पर जो चुने जाने की आकांक्षा भी हो सकता है तो कोई ये काफ़ी महत्वपूर्ण है उसका चुनाव घोषणा पत्र होता है ठीक है एक ऐसा दस्तावेज होता है जो राजनीतिक दलों की नीति और कार्यक्रम के रूपरेखा प्रदान करता है यानी पहले ही वो जो फिर भविष्य में करने वाले होते हैं उसके बारे में जो है आईना दिखाते हैं तो वो चुनाव घोषणा पत्र होता है जिसमें सारी बातों का वो उल्लेख किए हुए होते हैं उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है चुनावों का महत्व आपने अनुभव किया होगा कि चुनाव लोगों के लोकतांत्रिक सरकार की कार्य प्रणाली में सक्रिय रूप से सहभागी होने का अवसर प्रदान करते हैं यानी चुनाव का बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण है और चुनाव जनमत को व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है चुनाव जो होता है जनमत व्यक्त करने का एक काफ़ी महत्वपूर्ण तरीका होता है और भारत तो आपको पता है कि ये जो है डेमोक्रेसी कंट्री है लोकतांत्रिक है और यहाँ चुनाव होना बहुत ही अच्छी बात है लेकिन बेकार चुनाव नहीं होने चाहिए जिसे देश के लिए भलाई का सबब न बने देखा जाए तो इसके द्वारा लोग अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं यानी लोग जो हैं अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं कि मुझे कौन व्यक्ति पसंद है और कौन मुझे पसंद नहीं है वास्तव में चुनाव लोगों की राजनीतिक जागरूकता के दायरे का विस्तार करता है कि भारत में लोग कितने जागरूक हैं और कैसे व्यक्तियों को जिता रहे हैं क्या उन व्यक्ति को जिन्होंने जिताया है क्या उनके लिए कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये बात बाद में साबित होता है इसलिए जागरूक नागरिक होने की वास्तविकता को उजागर करता है और कहते हैं जीतने वाला व्यक्ति को जो है इस बात को एहसास होना चाहिए कि जनता ने उनको बहुत ही कहते हैं सोच समझ के जिताया है तो उनको भी सोच समझ के उनके लिए कार्य करना चाहिए और सदैव उनके लिए भलाई की बातें करना चाहिए और वो उन्हें सार्वजनिक विषयों को विकास की जानकारी देकर शिक्षित करती हैं चुनाव एक राजनीतिक दल या दल समूह के दूसरे की सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण सुनिश्चित करती हैं शांतिपूर्ण लेकिन आजकल शांतिपूर्ण की तो दूर दूर तक तो निशान ही नज़र नहीं आता सरकार के कार्य को वैधता और प्रतिनिधियों को लोगों के नेतृत्व करने की सत्ता को न्याय उचित सिद्ध करते हैं उसके पश्चात हमारे समक्ष चुनाव के प्रकार हमने देखा है कि हमारे देश में चुनाव अक्सर होते ही रहती हैं ये तो बात आप भली बात ही समझ गए होंगे कि भारत में चुनाव होता ही रहता है लेकिन सभी चुनाव एक सामान्य नहीं होते हैं भारत में होने वाले चुनाव के दो दो प्रकार से समझा जा सकता है एक प्रथम यानी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव में लोग सीधे तौर पर अपने वोट के द्वारा अपनी प्रतिनिधियों को विधायक निकाय को जो है लोकसभा राज्य विधानसभाओं के स्थानीय शासन की स्थान के लिए निर्वाचित करते हैं यानी ये डायरेक्ट जो है अपने प्रतिनिधि को चुनती हैं हमारे देश में अप्रत्यक्ष चुनाव भी होते हैं लेकिन जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि आगे कुछ विशेष स्थानों पदों के लिए व्यक्ति निर्वाचित करते जैसे आपको पता ही होगा कि भारत में जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है यानी इसमें जनता भाग नहीं लेती है जनता के चुना हुआ प्रतिनिधि जो होता है वो पार्टिसिपेट करता है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए यानी जिनको आपने भेजा है वो जो है आपके लिए राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं राज्यसभा के सदस्य भी अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं इसके अतिरिक्त राज्य विधान परिषद जो कि कुछ ही राज्यों में पाई जाती है के भी कुछ प्रतिशत सदस्य जो है एक बड़ा छेमा हिस्सा होता है संबंधित राज्य के विधानसभा के सदस्य द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण तो है इसके विभिन्न विभिन्न तरीके देखे गए हैं जो हमारे देश में चुनाव के तीन प्रकार की श्रेणियों में पाई जाती है एक तो होता है आम चुनाव एक होता है मध्यवर्ती चुनाव और एक होता है उपचुनाव कहते हैं लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल पूरा होने के पश्चात जो चुनाव कराए जाते हैं उन्हें आम चुनाव कहा जाता है और 2009 में हुए लोकसभा के आम चुनाव कहा जा सकता है यदि विधायिका लोकसभा और राज्य राज्य विधानसभा के चुनाव उसके समय में से पहले ही भंग किए जाते हैं कारण कई हो सकते उन्हें मध्यवृत्त चुनाव कहा जाता है यानी बीच में ही भंग कर दिया जाता है तो इसको मध्यवर्ती चुनाव के नाम दिया गया है उदाहरण के लिए लोकसभा के उन्नीस सौ इक्यावन उन्नीस सौ अंठानवे निन्यानवे के चुनाव मध्यवर्ती चुनाव थे देखिए अब तीन साल के अंतराल में कितने सारे जो है चुनाव हुए यानी इक्यानवे अंठानवे निन्यानवे यानी दो साल के अंतराल में जो है काफ़ी चुनाव हुए और इक्यानवे के बीच में तो ये मध्यवर्ती चुनाव थी चुनाव तो भारत में देखा जाए तो एक लड़ी लगी रहती है चुनाव की सिलसिला भारत में ख़त्म ही नहीं होती है कभी तो मुझे बड़ी अफसोस होती है कि जो व्यक्ति हमारे लिए रूल रेगुलेशन बनाते हैं वो सदैव चुनाव में ही व्यस्त रहते हैं तो वो भारत के लिए कब सोचते हैं पता नहीं किसी भी देखा जाए किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिनिधि द्वारा दिए गए त्याग पत्र या उसकी मृत्यु के कारण रिक्त व सीट या न्यायालय द्वारा किसी प्रतिनिधि के सदस्यता रद्द किए जाने की कि स्थिति में जो चुनाव ऐसी सीटों को भरने के लिए करवाए जाते हैं उन्हें उपचुनाव कहा जाता है यानी कई कंडीशन हो सकते हैं उपचुनाव करवाने की तो उपचुनाव तब करवाई जाती है जब कोई प्रतिनिधि जो है त्याग पत्र दे देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है या न्यायालय द्वारा जो है उसकी प्रतिनिधि की सदस्यता छीन ली जाती है तो ऐसी स्थिति में उपचुनाव करवाए जाते हैं तो आपने समझ लिए होंगे ये तीनों चुनाव किस प्रकार होती है एक तो राज्यसभा विधानसभा का जो है आम चुनाव होता है मध्यवर्ती चुनाव जो बीच में ही करवाई जाती है कोई कारणवश और जो है उपचुनाव भी होती है तो सारे के सारे काफ़ी महत्वपूर्ण हैं ऐसी स्थिति में विधायक की बाकी बची अवधि तक के लिए निर्वाचित किया जाता है इसमें सबसे अच्छा, अच्छा एग्जाम्पल जो है पी वी नरसिम्हा राव ने नवंबर उन्नीस में आंध्र प्रदेश के एक उपचुनाव में निर्वाचित किया गया था तो ये सबसे अच्छा इम्पोर्टेंट इं, एग्जाम्पल है तो देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आया है अगर आपको ये बात समझ में आया अच्छा लगा अगर आप सच्चे हित से जो है भारत की भलाई समझते हो सोचते हो तो कहते इसमें बहुत सी बातें ऐसी है जो लोगों तक पहुँचना चाहिए और ये आप माध्यम बन सकते हो देखिए दोस्तों ये अच्छी बात है कहते हैं, मैं कभी भी ये नहीं कहता या कभी भी तृपाण से, सेंटर ये नहीं चाहता कि भारत में जो है सांप्रदायिक दंगा दंगा फसाद हो ये भारत का नुकसान होता है और गलत बातें कभी भी जो है फॉरवर्ड नहीं करना क्योंकि इससे जो है देश के लिए नुकसानकारक बन सकता है हमें अच्छी बातों को फॉरवर्ड करना चाहिए ठीक है तभी तो मैं कहता तो हूँ अगर मेरी बात अगर समझ में आया अच्छा लगा अगर सही बात है तो इसको आपका शेयर करने का अधिकार बन जाता है और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है यूट्यूब से लिंक को कॉपी कीजिए और व्हाट्सअप डिटेल्स पर लगा दीजिए जिससे जो भी बच्चे इस क्लास में पढ़ते हैं उनको भी बात को समझो कहते हैं आपको चैप्टर के साथ साथ जो है जनरल नॉलेज की बात भी आ जाएगी और कहते हैं हमारे देश की कुछ भलाई भी हो जाएगी जैसे जितना हो शेयर कीजिए और पहली बार वीडियो देख रहे थे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए यूअर सेव कीजिएगा तो आपको एट से लेकर एम तक के बच्चों के लिए सारे वीडियो आपको उपलब्ध हो जाएगा जो कि प्ले लिस्ट पर बेखूबी दिखता है तो देख सकते हो समझ सकते हो ठीक है तो सोचिए नहीं विचार नहीं करना है त्रिपाण एस सेंटर को अभी सब्सक्राइब करना है